ये मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, हमारा लव मैरिज है। मैं आपको बताता चलूं, 1 से 2 माह तकरीबन हम गांव में रहे। इसके बावजूद जो हमारा फैसला था कि सीमा का माँ बाप भी कह रहे थे कि शुरू में तो वो हमारे संबंध में नहीं थे। मतलब मुझे मरना जीना गांव से हटा दिया गया था। अबू के साथ एम्बुलेंस में गांव गई, वो 8 साल में मैं एक बार गई अपने अबू की लाश के साथ। मैंने इनकी माँ बाप से, माँ तो इनका डेथ हुआ था, इनके रिश्तेदारों से बातचीत की, फिर हमारा एक जिरगा बैठता है बलोची, मैंने इनको फैसला दिया। जो जो भी हमारे होते हैं फैसला जिरगों में, तो फैसला दिया प्रॉपर तरीके से। मैंने इसको अपना बीवी माना, इनके माँ बाप भाई मामू सब राजी हो गए। जो हमारे जो जो है पंचायत, पंचायत खत्म हो गया, फिर मैंने इनके गांव छोड़ के कराची इनके साथ रहने लगे। आप क्योंकि हमारी माँ नहीं थी, हमने इसलिए इतने दुख देखे। माँ का होना बहुत जरूरी होता है और ये चीज मैं आज कहती हूँ, और यही वजह है मेरे बच्चे मेरे साथ है। जिनकी माँ नहीं होती ना, उनको कोई भी नहीं होता। जाना चाहिए ना कौन सच्चा है कौन झूठा है, भाई बहन मीडिया वाले लोग देख रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है, इसलिए कि मैं आपको इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि सच्चाई। माशाल्लाह दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग तंदुरुस्त होंगे और खैर आफियत से होंगे। दोस्तों सीमा को अब घेरा जाएगा चारों तरफ से। गुलाम हैदर के बच्चों को वापस लाने के लिए पाकिस्तान सरकार को लिखा गया लेटर, गुलाम हैदर का हो गया रास्ता साफ, सीमा के पकड़े गए झूठ। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीमा सचिन और गुलाम हैदर साहब को लेकर। मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि जो नापाक अय्याश सीमा है, इसका दोस्तों जो अब खेल है वो अब खत्म हो चुका है। इसकी जो अय्याशी है वो अब इंडिया में पूरी हो चुकी है। अब जो इसकी अय्याशी है वो खत्म हो चुकी है, और ये लपूसा जो सचिन है जो इसका साथ दे रहा था, अब वो इसका साथ भी छोड़ने वाला है। मैं दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेके आया हूँ, और वो जानकारी वो न्यूज आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो नापाक सीमा है ये बहुत जल्दी पाकिस्तान ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो गुलाम हैदर साहब है वो बहुत ज्यादा बेबस है और बहुत ज्यादा लाचार है अपने बच्चों को लेने के लिए। क्योंकि दोस्तों ये जो नापाक सीमा है ये तो अपनी इंडिया में आकर जो अय्याशी है वो बहुत ही अच्छे से कर रही है, और इंडिया में बहुत ही खुशी के साथ सचिन के साथ रह रही है। लेकिन जो गुलाम हैदर साहब है वो रोज अपने बच्चों की याद में तड़प रहे हैं और बहुत ज्यादा रो रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो वापस भी मिल जाए। लेकिन दोस्तों जो पाकिस्तान की मीडिया है वो गुलाम हैदर की आवाज नहीं दिखा रही है, और जो गुलाम हैदर की आवाज है वो भी नहीं बन रही है। क्योंकि दोस्तों जो गुलाम हैदर है उनकी अगर आवाज जो मीडिया बनेगी तो वहां की जो सरकार है उसके कानों में वो खबर जाएगी, और जो ये नापाक सीमा है वो बहुत जल्दी गुलाम हैदर के पैरों में आकर पड़ी होती और उनसे माफी भी मांग रही होती। लेकिन दोस्तों जो वहाँ की मीडिया है वो गुलाम हैदर का साथ नहीं दे रही है। तो दोस्तों मेरी बस वहाँ की मीडिया से गुजारिश है कि वो गुलाम हैदर की आवाज बने, और इंडिया के जो लोग हैं वो भी गुलाम हैदर को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों गुलाम हैदर के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और जो गुलाम हैदर की आवाज है वो पाकिस्तान में किस जगह पर पहुंच रही है, जो वहाँ की सरकार है वो गुलाम हैदर के लिए क्या कर रही है, उसका दोस्तों एक लाइव वीडियो आया है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों वो लाइव वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश है कि आप लोग दोस्तों इस वीडियो को मेरी एंड तक जरूर देखिएगा, और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबा दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, फिर आगे मैं आपसे बात करता हूँ। ये ना कौन सच्चा है कौन झूठा है, भाई बहन मीडिया वाले लोग देख रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है, इसलिए कि मैं आपको इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि सच्चाई तक आप पहुंच सकूं। शायद मैं आपको वकील से बात कर रहा हूँ कि क्या माजरा था सीमा को चलकर, जिम्माबाद में कोर्ट में आया था नहीं आया था, ये भी आप, मैं कोशिश करूंगा उसका नंबर दूं, आप उनसे भी बात कर सको। बाकी ये मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, हमारा लव मैरिज है। मैं आपको बताता चलूं, 1 से 2 माह तकरीबन हम गांव में रहे। इसके बावजूद जो हमारा फैसला था कि सीमा का माँ बाप भी कह रहे थे कि शुरू में तो वो हमारे संबंध में नहीं थे, निकाह किया, उसके बाद मैं 2-4 माह जो है ना शार्ट रहा घर से, तो फिर मैंने सोचा कि सुलह करें। मैंने इनकी माँ बाप से, माँ तो उसका डेथ हुआ था, रिश्तेदारों से बातचीत की, फिर हमारा एक जिरगा बैठता है बलोची, मैंने इनको फैसला दिया। जो जो भी हमारे होते हैं फैसला जिरगों में, तो फैसला दिया प्रॉपर तरीके से। मैंने इसको अपना बीवी माना, इनके माँ बाप भाई मामू सब राजी हो गए। जो हमारे जो जो है पंचायत, पंचायत खत्म हो गया, फिर मैंने इनके गांव छोड़ के कराची इनके साथ रहने लग गया। कराची बेटा बाद में गुलिस्तान जोहर में, तो इनका अबू का घर, मामू का घर और इनके तमाम रिश्तेदार जो है उधर बैठाया बाद में। मैं अपना जिकमाबाद से रिलीव हो गया, उधर चला गया जिकमाबाद कराची में इनके साथ रहने लग गया। तो 2-3 माह गुजर गए, तो उसने बोला देख अभी हमारा तुम्हारा लव मैरिज है, आप जो है ना मैं आपको छोड़ता भी नहीं हूँ, आपकी बीवी इधर क्या कर रही है, तुम उसको तलाक दो। मैंने बोला देख आप अच्छे से रह रहे हैं, तो आप उनके बारे में पहले तुम ये कह रहा था, अभी कह रहे नहीं क्योंकि मैं आपको नहीं छोड़ सकूंगी, तुम जाएगा तो मैं खुदकुशी करूंगी, अपने को मारूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, मुझे मोहब्बत है आपसे, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। जैसे ये खुद को काट रहा था, कोशिश कर रहा था मैं अपने मारूंगी, मैं आपको फांसी दूंगी आपने अगर नहीं छोड़ा तो। मैंने सोचा मोहब्बत की शादी भी की, देख अभी इतने मुश्किल मसाइल हो रहा है, मैंने अम्मी से अबू से बात की, देख मुझे छोड़ भी नहीं रहा है। उस वाइफ का क्या कसूर है, वो जो गाँव पे बैठी हुई है वो कम उम्र का था, इतना बड़ा नहीं था, तो उन्होंने फैसला, मैंने रिश्तेदार भी नाराज हो गए थे अम्मी अबू के, आप ना तलाक दो। मैंने बोला देख जिंदगी खराब नहीं करें, ये भी इसको तलाक दे देंगे कि तो ये अपनी शादी करेगी, अपना घर बसाएगी, गलती तो मेरी थी ना, मोहब्बत मैंने की, उसको सजा क्यों मिले। बिल्कुल बिल्कुल सही। फिर मैंने उसको अपने तरीके से उनको खुला दी, तलाक दी, उसने शादी की अपने, वो अपने परिवार में बच्चों में पहली वाली बीवी खुश है, 2 बच्चे जो है वो अभी भी मेरे अम्मी और अबू के साथ रह रहे हैं। अब जो अपने माँ बाप के पास हो जाता है आता है बिल्कुल, बाकी जो है रह रहे हैं वो प्रॉपर। वो कह रहा था कि इसने अपनी बेटी को बेचा,
ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, वो अभी भी मेरे घर पे है और अम्मी अबू के साथ रह रहा है मेरी बेटी, बिल्कुल आजाद है, बलोच का तीन मर्द औरत है, क्यों नहीं है, प्रॉपर तरीका है, हर किसी को अपने जिंदगी में लाइफ में जीने का हक है। ये बेबुनियाद बातें कर रहा है, देख क्या कह रहा है कि जिंदा जलाए जाते हैं, इनको मारा जाता है, पाकिस्तान में जो है ऐसे लोग हैं, एक हमको ऐसे माना पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, बिल्कुल सर बिल्कुल बेबुनियाद बातें कर रहा है। उनको बता रहा था कि जो है ना मुझे तो 4 सालों से हैदर ने तलाक दिया, कोई तलाक मैंने उसको दिया भी नहीं था और ना ऐसी कोई बात थी, ऐसी नौबत भी नहीं आई थी 10 मई तक भी। मैं आपको वॉइस मैसेज भी सेंड करता हूँ, वीडियो कॉल्स होंगे वो मैं आपको सेंड करता हूँ। ये बेबुनियाद झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, पता नहीं इसका इरादा क्या है क्या नहीं है, हमको बदनाम करना चाह रहा है कि कुछ भी कर रहा है, कैसे गया ये तो नहीं पता। बाकी जो है ना इसने आज तक हकीकत नहीं बताई, हकीकत आज तक इसने किसी के सामने नहीं लेके आया, मेरे साथ क्या हुआ या मैंने कोई गलती की तो मुझे माफी दिया जाए या कैसे किया जाए। बिल्कुल जो अभी अहम इश्यू मेरा क्या है, मेरा बीवी से ताल्लुकात, अभी देख इसने ऐसा घनौना हरकत किया, वो मेरे रहने का काबिल भी नहीं है, ना हम उनको रखना चाहते हैं। मैं भाई बहनों के आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूँ कि प्लीज मेरा हेल्प करो, और मेरे 4 बच्चे हैं, फरहान, फरवा और फरिया बतूल, 3 बेटियां 1 बेटा है। आप भाई बहन जो भी आप जहाँ तक तुम्हारा आवाज जा रहा है कि प्लीज मेरा हेल्प करें और मेरे बच्चों को वापसी आने में आप भी मदद करेंगे, इंशाल्लाह मेरे बच्चे वापस आ सके, मैं बहुत परेशान हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा, इस वीडियो को देखकर दोस्तों मुझे यकीनन उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो गुलाम हैदर साहब है वो अपने बच्चों के लिए दिन रात बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर एक बाप से उसके 4 बच्चे एक साथ जुदा कर दिए जाए तो उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। लेकिन जो ये नापाक अय्याशीमा है ये तो अपनी बहुत ही अच्छे से जो अय्याशी पूरी कर रही है, लेकिन ये एक बाप को बहुत दुख और दर्द पहुंचा रही है। इसका दोस्तों बहुत जल्दी इसका जो अंजाम है उसे भुगतना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताएं। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आप लोग हर न्यूज हर जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।